नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक वीडियो से जो लोग रातों रात स्टार बने हैं उनके बारे में। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। इन दिनों बचपन का प्यार गाना वायरल हो रहा है और इस गाने को गाने वाले सहदेव को बादशाह ने खुद के साथ गाने का मौका दिया है। हालांकि यहां तक पहुंचना एक आम आदमी का सपना होता है। वैसे आपको बता दें कि सहदेव अकेले नहीं हैं जिन्हें ये मौका मिला। तो आइए जानते हैं इस लिस्ट में और कौन कौन शामिल है। नंबर एक पर है डब्बू अंकल। दोस्तों डब्बू अंकल को आज कौन नहीं जानता। एक शादी में आपके आ जाने से गाने पर डांस कर चर्चा में आए डब्बू अंकल अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अपने डांसिंग टैलेंट के जरिए संजीव श्रीवास्तव को सलमान खान और गोविंदा से मिलने का मौका भी मिला था। डब्बू अंकल मध्य प्रदेश के रहने वाले संजीव कॉलेज के प्रोफेसर हैं। नंबर दो सहदेव। आजकल गाना बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे हर किसी की जुबान पर है। इन सब के बीच सहदेव कुमार का एक नया गाना सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड बना हुआ है। सहदेव का नया गाना हम तुम प्यार में डूबे का नया वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग दिल खोलकर इस पर रील्स बनाते देखे जा रहे हैं और सहदेव को बहुत सारी बड़ी कंपनियां भी प्यार दे रही हैं। सहदेव का एक नया गाना जो कि बचपन का प्यार रीमिक्स है 11 अगस्त को बादशाह के साथ रिलीज हो चुका है। नंबर तीन प्रिया प्रकाश वॉरियर। अपने एक वायरल वीडियो से रातों रात सोशल मीडिया स्टार बनने वाली प्रिया प्रकाश वॉरियर विंक गर्ल के नाम से पहचानी जाती है। हालांकि प्रिया ने शायद ही सोचा होगा कि फिल्म का एक सीन उन्हें नेशनल क्रश बना देगा। नंबर चार अमन राज। कलर्स टीवी के डांस रियलिटी शो में डांस दीवाने के कंटेस्टेंट रांची के अमन राज का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। अमन राज गोविंदा के एक्सप्रेशन और डांसिंग के बड़े फैन हैं और बड़े होकर कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं। डांस दीवाने की वजह से पहली बार अमन मुंबई आए हैं। इससे पहले उन्होंने डांस दीवाने के सेकेंड सीजन का ऑडिशन रांची में दिया था। इस ऑडिशन के दो राउंड उन्होंने क्लियर भी किए थे। नंबर पाँच रानो मंडल। रानो मंडल एक ऐसा नाम है जो एक वक्त सबके मुंह पर था। रेलवे स्टेशन पर गाना गाते किसी ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर शेयर कर दिया। वीडियो इतना वायरल हुआ कि हमेश रेशमिया ने तो उन्हें गाना गाने तक का मौका दे दिया। रानो ने तेरी मेरी कहानी गाना भी गाया हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।